गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे योर नेक्स्ट क्लास फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू मेनी सेंटेंसेस। इफ यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स यूज दिस सेंटेंसेस एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड और मदर और ब्रदर और योर नेबरहुड, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज it's not a beneficial for you, because if you learn it, then you will be forget within one or two days. मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बेटा सेंटेंस बोल रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आप पहले तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अपने कॉपी पे इनकी मीनिंग लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, जो भी सेंटेंस मैं दे रहा हूँ इसको आपको इनकी मीनिंग देना है, क्योंकि आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लास्ट क्लासेस से कि आप लोग इनके सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं, तो सेंटेंसेस नहीं अगर प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो इसके आप हिंदी लिखिएगा, लेकिन इनको बोलने में यूज करिएगा बार बार, तो आप इसमें निश्चित रूप से अच्छी सफलता गेन करेंगे। देखो बेटा, आप जो पहला है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस, एब्सोल्युटली नॉट। कल मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, एब्सोल्युटली राइट। जब लोग नहीं कहते यार आपने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल बात आपने सही कही, तो हम लोग कह सकते हैं वहां पर एब्सोल्युटली राइट, ये एकदम सही है। तो बोलता है एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बोल देना एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल गलत है। लिख सकते हो एब्सोल्युटली रॉन्ग, होते या गलत है, नॉट लिख दो, या आप रॉन्ग भी आप लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग मींस होता है गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नो आइडिया। मेरा भाई इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, आइडिया मींस विचार। लोग कहते ना कि आपका इसके बारे में क्या आइडिया है, व्हाट्स योर आइडिया, बोलते ना व्हाट्स योर आइडिया, देन आप लोग आंसर क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, मेरा इसके बारे में कोई विचार नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मेरा इसके बारे में कोई विचार नहीं है। फिर क्या, आई एम एग्री विद यू, बोलते ना कि हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी द वर्क विल बी डन बाय दिस प्रोसेस, मेरे अनुसार कार्य ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूं, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, आई एम एग्री विद यू। नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट, आई एम एट होम। आई एम एट होम बोलते ना, वेयर आर यू, तुम कहां हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम एट होम, प्रेजेंट टाइम, या कुछ बोलते थे प्रेजेंट टाइम आई एम एट होम, बोल देते टुमारो आई विल बी एट होम, इस तरीके से आई एम एट होम मींस मैं घर पर हूं। नेक्स्ट है इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग, ध्यान से देखना, ये बहुत बोल देते हैं, ये बहुत मोर यूजफुल है और थोड़ा बड़ा भी है। इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग, टंग मींस हमको पता है कि सर टंग मींस क्या होता है, जीभ, टंग मींस होता है जीभ, और टिप मतलब ऊपर रखा है, टिप मींस बाहर तरफ, इट्स ऑन द टिप, टिप मीन बाहरी बोले, ये तो इसके जीप पे रखा है, लोग बोलते ना कि इसका जो आंसर देने का तरीका है वो उसकी जीप पे रखा रहता है। इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग, इसका मतलब मैं पूछते या तैयार हूँ, आपने क्वेश्चन बोला मैंने आंसर बता दिया, तो इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग का मतलब होता है मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ, या जो भी आप बोल रहे हो इसका आंसर तो मेरे जीप पे रखा है, इसका आंसर मेरे जीप पर रखा है, माय टंग मींस मेरे जीप पर, और टिप मींस बाहर कर रखा है। इट्स ओके, ये मोर यूजफुल है बेटा, बोलते हैं इट्स ओके मींस चलो सही है, हम लोग कल बोल देते ना चलो ठीक है, तो चलो ठीक है मींस इट्स ओके। इट रियली टेक्स टाइम, वास्तव में ये टाइम टेकिंग है, इट्स रियली, लोग बोल देते हैं इट्स रियली टाइम टेकिंग, जो आप बोल रहे हो भाई टाइम टेकिंग है, तो बोलेंगे इट रियली टेक टाइम, जो आप काम बता रहे हो उसमें टाइम लगेगा, तो इट रियली टेक्स टाइम, वास्तव में इसमें टाइम लगता है। सी यू, बहुत बोलते हो व्हाट्सएप में लिखते हो ना सी यू, सी यू मीन्स बहुत जल्दी आपको देखेंगे, या लिखते सी यू टुमारो, सुबह आपसे मिलेंगे, सी यू मीन्स बहुत जल्दी मिलेंगे, और सी यू टुमारो मीन्स कल मिलेंगे, सी यू मॉर्निंग मीन्स सुबह मिलेंगे। आगे लिखा जाता है गुड नाइट, बोलते ना मैसेज में आप लोग लिखते हैं व्हाट्सएप पे गुड नाइट सर सी यू, तो गुड नाइट मींस शुभ रात्रि सर, जल्द आपसे मिलेंगे।
सी यू टुमारो, वही बात अभी मैं बता चुका हूँ, जब बहुत जल्द आपको कल मिले, सो आई डू, इसलिए मैंने ऐसा किया। हम लोग बोलते ना, हमें ये क्वेश्चन था पूरी तरीके से सॉल्व करना आता था, सो आई डू इसलिए मैंने सॉल्व किया, इसलिए मैंने इसको किया, सो आई डू मीन्स इसलिए मैंने किया। इस तरीके से 10 सेंटेंसेस आपको आज भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इन सेंटेंसेस की आप लोग हिंदी लिखेंगे बगल में और हमको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर एसडब्ल्यू के लिए भेजेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।